एक चीज सर जो आज तक खुल करके नहीं आया, आज तो पुण्यतिथि है हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। शास्त्री जी के पूरे बीच में लगा था कि वो रहस्य खुलेगा, जैसे नेताजी का, शास्त्री जी का, कि क्या छल हुआ उनके साथ। कहा जाता था कि इतना दबाव था इंदिरा गांधी का उनके ऊपर उस दौर में कि वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे, और उन्होंने तय किया था कि लौटने के बाद वो इंदिरा को अपने कैबिनेट से निकालेंगे। मैं कहीं कई बार इस चीज को पढ़ा है। आज उनकी पुण्यतिथि है, ना उनके जन्मदिन को कभी याद किया जाता है, क्योंकि उनके जन्मदिन के दिन बापू का जन्मदिन है, इसलिए दब जाता है बापू के सामने सब कुछ। इस देश में उन्हें एक खलनायक बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस पुण्यतिथि पर देश को कैसे उसको उस चीज को याद करना चाहिए, इस पूरे प्रकरण को, कि आज तो उस महापाप की बरसी है। सही में आप इसे महापाप बता रहे हैं, किस रूप में माने कि ये महापाप है जिसकी बरसी आज है कांग्रेस का। मैं महापाप मानता हूँ, उसका कारण बता दूं कि देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि लाल बहादुर शास्त्री की कोई स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई थी और उनकी हत्या ही की गई थी। बड़ी लंबी कहानी है, उसमें फिल्म बन चुकी है, कई लोगों ने किताबें लिखी है। अनुज धर ने बहुत बेहतरीन काम किया, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। तो ये तो उसके बाद बड़ा स्पष्ट है कि लाल बहादुर शास्त्री की आज से 57 साल पहले हत्या की गई थी। और मैं आज केवल दो चीजें ऐसी बताऊंगा, उसके बाद आप दर्शक खुद कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ लाल बहादुर शास्त्री को मौत के घाट उतारा गया था, वो अपनी मौत नहीं मरे थे मनी जी। क्योंकि कुछ कभी आपने तो मनी जी क्राइम रिपोर्टिंग की है कि कभी कभी सीधे सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य होते हैं वो चीख चीख कर बताते हैं कि हुआ क्या था और दोषी कौन है, और उसके आधार पर सजाएं भी दी जाती है, मौत की सजा तक दी जाती है जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं। तो मैं कुछ बड़े ऐसे परिस्थिति जन्य साक्ष्य मनीष जी कि जो चीख चीख कर कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को मौत के घाट उतारा, और किसने उतारा, किसके इशारे पर उतारा, बहुत साफ है मनीष जी। और हमारे देश के वो भी एक महानायक कहिए, युग पुरुष कहिए, मतलब धरती पुत्र उनको क्या कहा जाए, लाल बहादुर शास्त्री में पूरे देश को गर्व है आज भी। आपने कहा कि वो जो पिताजी आ गए थे कांग्रेसी, वो उनका जन्मदिन ज्यादा धूमधाम से होता था, उनका जन्मदिन नहीं होता, लिया है कि कांग्रेसियों ने बिल्कुल उनको ब्लैकआउट कर दिया था। वो पिताजी के जन्मदिन पे देश क्या सोचता, अगर ये इस पर बताने लगे तो संभवतः चैनल बनेगा यूट्यूब हम लोगों का, जो जो पिताजी के बारे में लोगों के विचार हैं। जब 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे तो लाल बहादुर शास्त्री से कम मैं उस आदमी की तुलना कतई नहीं कर सकता। लाल बहादुर शास्त्री को मैं उनसे हजारों फीट ऊंचा और बड़ा कद मानता हूं, लाल बहादुर शास्त्री का, जो उनकी सेवाएं और जो उनका व्यक्तित्व था। अब आते मुनि जी 11 जनवरी 1966 को जब मौत हुई, दर्शकों को बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल आपको मौत और मौत के बात की जो 2-3 घटनाएं बताता हूँ, और उसके बाद जो मैं कह रहा हूँ कि महापाप उनके साथ हुआ था, कांग्रेसी महापाप था, और उनको मौत के घाट ही उतारा गया था। 11 जनवरी 1966 को मनीष जी जब उनकी रात में 1:30 बजे मौत हुई है, तो उनके साथ डॉक्टर आर एन चुग थे, जो उनके निजी डॉक्टर थे, और वो उनके साथ आखिरी समय तक थे। तो उन्होंने कहा कि 12:30 बजे तक, 12-12:30 बजे तक शास्त्री जी बिल्कुल फिट थे, कहीं कोई उनको किसी तरह की कोई समस्या स्वास्थ्य को लेकर नहीं थी, और उन्होंने दूध पीने की इच्छा व्यक्त की थी, और अचानक वो बाहर आए, उसके बाद 1:30 बजे शास्त्री जी का देहांत हो गया। ये अचानक यहाँ पे बताएगा कि हार्ट फेल हुआ, लेकिन आपको ताजुब होगा कि देश का प्रधानमंत्री विदेश में मर गया, ताशकंद में, रूस के अंदर, और उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ कराया गया। मनीष जी जरा सोचिए, आम आदमी का हो तो आदमी कराता है पोस्टमार्टम, और देश का प्रधानमंत्री उसकी मौत हो जाए और वो भी विदेश में हो, लेकिन उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उनका पोस्टमार्टम शास्त्री जी का नहीं हुआ। और वो डॉक्टर चुक का बयान था कि नीले पड़ गए, कई जगह चकत्ते पड़ गए थे, नीले हो गए बदन, नीला साफ लग रहा था कि जहर दिया गया है, ये डॉक्टर चुक। और उनके साथ मनीष जी उनका निजी रसोईया था शास्त्री जी का, रामनाथ, तो वो खाना वही बना के खिलाता था शास्त्री जी को। उस दिन उसको खाना नहीं बनाने दिया गया, उस दिन शास्त्री जी का खाना रामनाथ ने नहीं बनाया, और ऐसा नहीं कि उसको बीमार पड़ गया था, उसको मना कर दिया गया। मना करने वाला कौन था, नेहरू का रिश्तेदार टीएन कौल, त्रिलोकीनाथ कौल, वो उस समय भारत में रूस में भारत का राजदूत था। उसने कहा कि आज खाना तुम ही बनाओगे, आज खाना मेरा रसोईया बनाएगा,
जरा गौर करिए। और उस रसोइये का क्या नाम था? जान मोहम्मद, वो त्रिलोकीनाथ कौल का रसोइया था। रामनाथ, रामनाथ बेचारा नौकर किनारे हो गया, उसने ठीक जान मोहम्मद बनाए खाना। और जरा अब त्रिलोकीनाथ कौल की पृष्ठभूमि समझिए कि वो आदमी कौन था। वो इंडियन फॉरेन सर्विस का अफसर था और 1947 से 48 में वो आया था फॉर सर्विसेज में। लेकिन 1959 में जब वो इंदिरा गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, शास्त्री जी का विरोध करके नेहरू ने अपनी बेटी को बनवाया कांग्रेस का प्रेसिडेंट, तो उस टीएन कौल को, त्रिलोकीनाथ कौल को, इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल एडवाइजर नियुक्त किया था। इंदिरा गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थी कांग्रेस की 1959 में, तो त्रिलोकीनाथ कौल, टीएन कौल उसका एडवाइजर हुआ करता था। और वही बाद में जब इंदिरा गांधी सरकार में आ गई तो वो चला गया मॉस्को में, वो राजदूत बना दिया गया, वहां पे था वो उस रात वही वहां पे था। तो उसने रामनाथ को हटाया और उस अपने अपने रसोइये से खाना बनवाया शास्त्री जी का, जो कहा जाता है शास्त्री जी को जहर दिया गया है। और मनीष जी, जान मोहम्मद को कभी हिंदुस्तान आया ही नहीं। शास्त्री जी की मौत के बाद जान मोहम्मद गायब हो गया, वो एक दो दिन के लिए रूस ने पकड़ा, उसके बाद छोड़ दिया गया। और वो कहाँ गया ये किसी को नहीं पता चला। बाद में खबरें आई कि जान मोहम्मद रूस से भाग के सीधे पाकिस्तान चला गया था। और खबरें ये भी आई मनीष जी कि जान मोहम्मद को मरते दम तक, क्योंकि वो सरकारी नौकर था, भारत सरकार का नौकर था, तो उसको मरते दम तक उसकी पेंशन इस कांग्रेसी सरकार ने दी। जरा सोचिए, एक भगोड़े अपराधी और प्रधानमंत्री की हत्या में वांछित अपराधी, ये जो कभी हिंदुस्तान आया ही नहीं लौट के, वो पाकिस्तान चला गया। और ये कहा जाता है कि उसको बाद में पेंशन भी दी जाती रही। तो ये तो उस दिन के मौत के दिन की बात है, लेकिन इसके आगे का जो घटनाक्रम, वो मनीष जी बड़ा खतरनाक और बहुत खौफनाक है। यहाँ लीपापोती हो गई, इंदिरा शास्त्री जी को जहर हार्ट अटैक आया था, उससे उनका देहांत हो गया, देश को ये बताया गया, कुछ था ही नहीं, केवल अखबार या सरकारी टीवी रेडियो हुआ करते थे। लेकिन मनीष जी, जब 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक रामनारायण कमेटी बनाई, रामनारायण कमीशन बना लाल बहादुर शास्त्री की मौत की जांच करने के लिए। तो उसने सुनवाई शुरू की पार्लियामेंट के अंदर। तो दो ही सबसे महत्वपूर्ण गवाह थे, जो चश्मदीद गवाह थे और जो उस दिन शास्त्री जी की मौत के समय उनके साथ थे, एक थे डॉक्टर आरएनचू का, दूसरा वो रामनाथ रसोइया। तो डॉक्टर रामनाथ चू संभवतः राजस्थान के थे, तो वो जिस दिन सुनवाई के लिए वो आ रहे थे, उनकी डेट लगी कि आपको इस दिन आके कमीशन के सामने अपनी गवाही देनी है। तो वो जब आ रहे थे तो रास्ते में उनकी कार को एक ट्रक ने रौंद दिया, और इतनी बुरी तरह से रौंदा कि डॉक्टर चुग समेत उनकी पूरी फैमिली जो कार में बैठी थी, वो वही एट दी स्पॉट उसकी मौत हो गई। वो कभी गवाही दे ही नहीं पाए रामनारायण कमेटी के सामने। जिस दिन आ रहे थे उस दिन उनको सड़क पे उनको ट्रक ने रौंदा और उनकी मौत हो गई। दूसरा गवाह जो रामनाथ था, वो क्लासिक केस है मनीष। जिस दिन उसकी गवाही की डेट थी, उस दिन सवेरे सवेरे वो मोतीलाल नेहरू मार्ग पे, लाल शास्त्री जी का बंगला था, ललिता शास्त्री वहां रहती थी, वो उनसे मिलने गया, क्योंकि वो उसको जानती थी, वो शास्त्री जी का पर्सनल रसोइया था। तो ललिता शास्त्री ने बयान दिया था प्रेस में कि रामनाथ सवेरे सवेरे मेरे पास आया और उसने कहा कि माता जी बहुत, अम्मा कह गए, अम्मा कह रहा, अम्मा बहुत दिनों से कलेजे पे बोझ है, अब मौका मिला है तो आज सारा सच बता दूंगा। मतलब सवेरे वो ये कह के ललिता शास्त्री के घर से निकला और पार्लियामेंट के लिए निकला। मनीष जी, रास्ते में उसके ऊपर भी कार चढ़ गई। जरा गौर से, ये दो गवाह, दोनों दोनों को कार ने रौंद दिया, एक को ट्रक ने रौंदा और दूसरे को कार ने रौंदा, यानी दोनों गवाह उस रामनारायण कमेटी के पास पहुंच ही नहीं पाए। ये क्या खेल था? ये सहयोग नहीं हो सकता। जैसे मैं कहता हूँ ना कि संजय, राजीव, इंदिरा, तीनों की जो मौत है, कि तीनों कत्ल, ये सहयोग नहीं हो सकते। उस सहयोग की बदौलत ही सोनिया गांधी आज कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पे है। तो वैसे शास्त्री जी की आज जो दो गवाह थे, कौन कौन खेल कर रहा था, क्या खेल कर रहा था, ये आसानी से आप समझ सकते हैं। और कभी ये सब चीजें पब्लिक नहीं की गई, ऐसा लगा इस चीज को ऐसे छुपाया गया है कि किसी चीज को इस देश को बताने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आज इन्हीं सब चीजों का पाप जो है, इसीलिए कहते हैं ना कि ईश्वरीय न्याय देखिए कि राजीव गांधी की मौत कैसे हुई, इंदिरा गांधी की मौत कैसे हुई।
और पूरा वंश जो है आज जो 55 साल का ये जो प्रौढ़ है, और राम द्रोह में क्या कुछ भुगत रहा है। मुझे लगता है कि ये हिस्सा देश को, आज जो सतीश जी ने कहानी बताई है, ऐसा नहीं है कि दस्तावेज में नहीं है, टास्कन फाइल में भी है, लेकिन इसे दोहराया नहीं जाता, इसे बताया नहीं जाता। कभी शास्त्री जी की पुण्यतिथि याद नहीं की जाती। और मैंने क्यों जोड़ा कि गांधी के जन्मदिन के दिन उनका जन्मदिन है, तो बस एक औपचारिकता निभा दी जाती है। कभी विमर्श शास्त्री जी पर हुआ ही नहीं। मैं वाराणसी गया था सर, आपका तो ननिहाल है, मैं कई बार गया, लेकिन मेरा एक मित्र है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, पत्रकार, हमारे साथ रहा और बहुत खास दोस्त है। उसने कहा तुम्हारे हित के लिए एक बहुत जगह, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ। मैं भी कभी नहीं गया हूं बनारसी होकर के भी, वो बनारस में उसका जन्म है, बीएचयू का प्रोफेसर है, बीएचयू से पढ़ा है, खुद नहीं गया हुआ था। मुझे लेके गया तो मैं शास्त्री जी के गांव गया, शास्त्री जी के उस घर में गया जो शास्त्री जी का निवास स्थल था। कहते कि ये, और इस देश को पूरा मन भी किया, वहां कोई नहीं जाता सर, वो जबकि विरासत है देश की, वहां एक आदमी भी नहीं था सिग्नेचर करने के लिए। उस दिन भी जब मैं सिग्नेचर कर रहा था, उस दिन कोई नहीं आया हुआ था वहां। तो ये बताया जा बता साबित करता है कि इस देश में सिर्फ उस परिवार की भूमिका क्यों रही, और ये क्या इस देश के साथ साजिश हुई। समझिए मनी जी, वो मैंने देखा है बनारस में जो शास्त्री जी का आवास है, जरा गौर करिए कि उस आवास की ये उपेक्षा शास्त्री जी की ऐसे महानायक की। और ये गांधी परिवार उसी बेशर्मी से कहता है कि वो जो सरकारी प्रधानमंत्री निवास थे, ये हमारे बाप दादों के नाम के, इनके स्मारक बना दो, नेहरू भवन उनका स्मारक बना दो, इंदिरा गांधी जहाँ रहती थी वो इंदिरा गांधी का स्मारक बना दो, अब संभवतः 10 जनपद तो सोनिया गांधी का स्मारक बना दो। तो ये कब्जा कर रहे हैं सरकारी जमीनों पे, कब्जा कर रहे हैं सरकारी कोठियों पे, कब्जा कर रहे हैं। ये चरित्र और गांधी परिवार शास्त्री जी और का शास्त्री स्मारक परिवार बनाया का। गया उनका घर उनके गांव में, जहां कोई नहीं पहुंचे। वो तो अटल जी के दौर में आया कि उनका जो सरकारी निवास था, 10 जनपद तो कब्जा कर लिए हुए सोनिया गांधी, एक बचा हुआ हिस्सा जो उनका ऑफिस था उसको एक बाद में अटल जी के दौर में उसे विरासत के रूप में सौंपा गया। इस देश को उसके कुकर्म को समझना जरूरी है कि क्यों सिर्फ और सिर्फ इस देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान पे हुआ, लेकिन जो हिस्सा हिंदुओं के नाम पर आया उसको तुष्टिकरण की सजा उस हिस्से को मिल गई। और मनीष जी का मैं तो कहूंगा कि जो लोग बनारस जाते हैं वो शास्त्री जी के घर को जरूर जाके एक बार जरूर देखें बनारस में, और उसके बाद वो आनंद भवन को देखें इलाहाबाद वाले, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि जो बताते ना अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे वो शास्त्री जी के जैसे घर में रहते थे, और जो अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे वो आनंद भवन ऐसे राजमहल में रहते थे। वो राजमहल है मनीष जी, छोटा मोटा, तो अंग्रेजों से लड़ने वाला राजमहल में नहीं रह सकता था, उसको सड़क पे घसीटा जाता था। तो ये दोनों का अंतर, दोनों के चरित्र का अंतर आपको दोनों के घर बता देते हैं जो पैतृक घर है। बिल्कुल, और सचमुच वो एकदम मिट्टी का सब कुछ, जो तो बाहर से कवर अप करने, मजबूत करने के लिए उसे थोड़ा सा मजबूत कराया गया, वरना बाकायदा मिट्टी का घर है वो, जो है वो सब कुछ उसी ढंग का है। इस गरीबी में और बचपन में गंगा किनारे, बिल्कुल गंगा के किनारे है उनका घर, और वहां पहुंचना भी बहुत दुष्कर है। आपको बताएगा भी नहीं कोई रास्ता, जल्दी लोगों को पता भी नहीं है जो वहां का रेगुलर लोग नहीं है। ये बताया जाता है कि किस तरह का खेल इस देश में हुआ शास्त्री जी नहीं के नहीं मनी साथ। जी, और बता दूं कि शास्त्री जी के घर जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, उससे पहले कोई कांग्रेसी वहां गया हुआ नहीं कभी प्रधानमंत्री कोई उनके घर नहीं गया, जाने वाले नरेंद्र मोदी हैं, तब पूरे देश का ध्यान उनके घर की तरफ गया था, अन्यथा वो तो उपेक्षा ही है, उपेक्षित है वो। चलिए, ईश्वरीय न्याय है, और मुझे लगता है कि भारत की जनता और क्या गत करेगी अभी आने वाला समय इन रामद्रोहियों के लिए तय होगा।